नमस्कार दोस्तों, टैग गुरु मास्टर में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इलेक्ट्रिसिटी टेस्टर बनाकर दिखाऊंगा, मात्र जिसका खर्चा 2 या 3 रुपए हैं। 2 या 3 रुपए में ये इलेक्ट्रिसिटी टेस्टर बनकर तैयार हो जाएगा। और इससे आप कोई भी वायर को आप चेक कर सकते हैं कि उसमें कहाँ तक बिजली आई है, कहाँ से वो ब्रेक है, कहाँ से नहीं। जैसे कि ये हमारे पास वायर है और इसमें हम इससे पता कर सकते हैं कि ये इसमें कहाँ तक बिजली है, कहाँ तक ये ब्रेक है। तो ये इस टेस्टर से ये फ़ायदा होता है कि आप चलती लाइन में आप इसे चेक कर सकते हैं कि उस तार में कहाँ तक करंट है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में अभी बनाकर दिखाऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 18-15 है। 18-15 नंबर के 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं सर्किट में और एक एलईडी लगी है। ये हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर है, ये देखिए, ये 2 ट्रांजिस्टर है और ये इसमें एक एलईडी है। तो मात्र इसमें ये 2 ट्रांजिस्टर और एलईडी है। तो ये मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। और साथ में इसमें एक ये एक छोटा सा एंटीना भी बनाया हुआ है हमने, क्वाइल बनाकर इसकी तार की, इसमें कॉपर की क्वाइल लगा सकते हैं। तो इसमें कनेक्ट हमें कैसे करना है कि जो दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और कलेक्टर दोनों आपस में मिला देते हैं हम, क्योंकि 18-15 का जो सेंटर में होता है वो कलेक्टर होता है। तो ये हम दोनों को इसमें मिला देते हैं, इन दोनों कलेक्टर को हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। अभी सोल्डर थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो ये मैं आपको इसमें कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अभी सोल्डर आयरन गर्म हो रहा है, कलेक्टर को कलेक्टर से कनेक्ट कर देंगे और पहले ट्रांजिस्टर का बेस दूसरे ट्रांजिस्टर के इमीटर से कनेक्ट कर देंगे। पहले ट्रांजिस्टर का इमीटर एलईडी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और जो दूसरे ट्रांजिस्टर का बेस है उस पर ये एंटीना एक क्वाइल बनाकर एंटीना का काम करेगा, ये इससे कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से ये सर्किट मात्र पूरा हो जाएगा। और ये हमारा अब आयरन चालू हो गया है। ये हमने इसमें दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को आपस में कनेक्ट कर दिया है और अब हम इमीटर और बेस को कनेक्ट करेंगे। यानी कि ये हमारा बेस है, ये हमारा पहला ट्रांजिस्टर है और दूसरे ट्रांजिस्टर का इमीटर। ये बेस है और ये इमीटर, ये बेस है इसका और ये इसका इमीटर। ये हम इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। और पहले ट्रांजिस्टर का इमीटर, यानी कि ये हमारा पहला ट्रांजिस्टर है, ये इसका मीटर पे एलईडी का पॉजिटिव, एलईडी की बड़ी टांग पॉजिटिव होती है, ये हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। और सेकंड नंबर का जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस से हम ये एक क्वाइल बनाकर कनेक्ट कर देते हैं, जिससे ये एक किस्म से एंटीना का काम करेगा। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर अब पूरा हो गया, सर्किट पूरा हो गया है। और अब हम इसमें 3 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, नेगेटिव पॉइंट बैटरी एलईडी के नेगेटिव पर दे देंगे। ये और इसका पॉजिटिव जो हमने दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर मिलाए थे उस पर हम ये पॉजिटिव दे देंगे।
ये हमने बैटरी का पॉजिटिव दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर कनेक्ट कर दिया है। और अब हमारे पास ये एक बिजली का लीड है, और अब हम इसे चेक करके देखेंगे कि ये देखिए ये यहाँ तक इसमें करंट है, ये देखिए, यानी कि इसमें पूरे तार में करंट है। लेकिन इसका एक, इसमें लीड में दो तार होते हैं, इसमें एक तार इसका ख़राब है, तो हम इसको इसका प्लग पलट देते हैं लीड का। ये हमने इसका लीड का प्लग पलट दिया है, और ये यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है। तो इस तरह से हम किसी भी बिजली के तार को हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक करंट है। ये देखिए यहाँ तक ये पूरी तरह से करंट, लाल बत्ती जल रही है, एलईडी जल रही है, और यहाँ से आगे ये बिल्कुल नहीं जल रही, जल रही एलईडी, यानी कि यहाँ तक ये तार जो है ना यहाँ से ख़राब है। तो इस तरह से आप एक चलती हुई लाइन में, बिजली की लाइन में ये आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ से वो ब्रेक है और हमारा करंट आगे क्यों नहीं पहुँच रहा। इस तरह से ये बहुत ही सस्ते में ये सर्किट बनाकर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपने ये इलेक्ट्रिसिटी का जो टेस्टर है इसको देखा, कैसे बनाया और इसके बारे में जाना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी से और भी वीडियो बनाएंगे, और सभी दर्शकों का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।